हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेकर पिथ यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त अर्पित और आप देख रहे हैं टेकर पिथ। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 10 बेस्ट एडसेंस अल्टरनेटिव्स के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आपका एडसेंस अकाउंट अगर किसी गलती की वजह से, आपकी इनवैलिड क्लिक्स की गलती की वजह से या फिर किसी और किसी कारण से आपका अगर एडसेंस डिसेबल्ड हो गया है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। एडसेंस की तरह ही बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो एड सर्व करती है। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं एड सर्विंग नेटवर्क्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले नंबर पे जो एड नेटवर्क आता है उसका नाम है media.net। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल एडसेंस की तरह ही है। तो दोस्तों, इसकी एक खास बात मैं बता देता हूँ, अगर आप ब्लॉगर हैं, आप ब्लॉग लिखते हैं या आपकी वेबसाइट है, तो उसमें जो कंटेंट है, आपका जो कंटेंट है इंग्लिश में ही होना चाहिए। सो गाइस, media.net इंग्लिश कंटेंट को ही अपने एड सर्विंग प्रोवाइड करता है। सो गाइस, मेक श्योर कि आपका कंटेंट इंग्लिश में हो, तभी आप media.net की सहायता से अपने वेबसाइट पर एड सर्व कर सकते हैं। सो गाइस, media.net पब्लिशर और एडवर्टाइजर दोनों के लिए अवेलेबल है। सो गाइस, आप अपना पे आउट $100 होने पर पेपल के द्वारा या वायर ट्रांसफर के द्वारा आप इसे अपने अकाउंट में ले सकते हैं। सो गाइस, चलिए अगले एड नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, दूसरे वेबसाइट का नाम है advertising.com। जी दोस्तों, media.net की तरह ही बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। और दोस्तों, इसमें जो आपका लिमिट है लैंग्वेज को लेके, वो कोई बात नहीं, इसमें कुछ भी लैंग्वेज का आपका कंटेंट चलेगा, आपकी जो वेबसाइट है, आपका ब्लॉग है, आपका जो कंटेंट है किसी भी लैंग्वेज का चलेगा इस वेबसाइट में। तो दोस्तों, इसकी खास बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ओनली $25 इसका जो पे आउट लिमिट है वो $25 है। तो दोस्तों, जैसा भी आपका $25 पूरा हो जाए, आप इससे सीधे पे आउट लगा सकते हैं अपने पेपल में, अपने वायर ट्रांसफर के द्वारा या फिर सीधे अपने बैंक अकाउंट में। सो गाइस, तीसरे एड नेटवर्क का नाम है revcontent.com। जी हाँ दोस्तों, revcontent.com बहुत ही अच्छा नेटवर्क है और इसका दोस्तों मिनिमम पे आउट $50 से आप सीधे से पेपल के द्वारा ले सकते हैं या फिर वायर ट्रांसफर के द्वारा ले सकते हैं। सो गाइस, इसमें आपको डिस्प्ले के लिए बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे, बहुत ही अच्छा है और ये आपको बहुत ही अच्छा सुविधा प्रदान करता है। तो आप इससे भी अपना जो वेबसाइट का अप्रूवल जरूर कीजिएगा। सो गाइस, चौथी वेबसाइट का नाम है एडकैश। जी हाँ दोस्तों, ये भी एडसेंस की तरह ही बहुत अच्छा एड नेटवर्क है और गाइस, इसमें भी आपको $100 का ही पे आउट जो मिनिमम लेवल है वो मिलेगा। आप जैसे इसमें $100 थ्रेशोल्ड पूरा कर लेते हैं, ये आपको सीधे आपके पेपल या सीधे अकाउंट में वायर ट्रांसफर से चेक के द्वारा आपको सीधा पेमेंट दे देगा। सो गाइस, इसमें आपको एडसेंस की तरह ही बहुत सारे एड फॉर्मेट मिल जाएंगे अपनी वेबसाइट पर लगाने के लिए। सो गाइस, आप इसे भी जरूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइस, पांचवें नंबर पे जो वेबसाइट आती है उसका नाम है इन्फोलिंक्स। इन्फोलिंक्स भी बहुत ही अच्छा है, इसमें रेव कंटेंट की तरह ही बहुत ही अच्छा सारे फॉर्मेट्स मिल जाते हैं इसमें। सो गाइस, इसमें आपको जो एड फॉर्मेट मिलेंगे वो आपकी वेबसाइट के लिए वीडियो एंड बैनर एड्स दोनों ही मिलेंगे। सो गाइस, इसमें आपको मिनिमम पे आउट लिमिट है $50। जी हाँ दोस्तों, $50 आपका पूरा होने पर सीधे आपको पेपल के द्वारा ये सीधे पेमेंट कर देगा। सो गाइस, चलिए आगे के नेटवर्क की बात करते हैं। सो गाइस, छठे नंबर पर जो वेबसाइट आती है उसका नाम है रेवेन्यू हिट। सो गाइस, बहुत ही अच्छा एड नेटवर्क है, इसमें भी आपको एडसेंस की तरह बहुत ही सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, पॉपअप एड्स, बैनर एड्स, बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे इसमें आपको। तो गाइस, पेमेंट की बात करूँ तो इसमें आपको वायर ट्रांसफर के लिए $500 मिनिमम चाहिए चाहिए। जैसे आपका $500 मिनिमम हो जाता है, आपको सीधे वायर ट्रांसफर के द्वारा ये सीधे आपको भेज देगा। और दोस्तों, पेपल के लिए मिनिमम $20 है, जैसे आपका $20 पूरा हो जाता है, पेपल के द्वारा सीधे आपको मनी सेंड कर देगा। सो गाइस, रेवेन्यू हिट्स भी बहुत ही अच्छा है, आप इसे भी जरूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइस, सातवें नंबर पे जो एड नेटवर्क आता है वो है बिडवर्टाइजर। जी हाँ दोस्तों, बिडवर्टाइजर भी बहुत ही अच्छा है और दोस्तों, इसकी एक खास बात है कि इसका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो ओनली $10 है। जी हाँ दोस्तों, ओनली $10 होने पर आप सीधे से पेपल या वायर ट्रांसफर के द्वारा सीधे अपने अकाउंट में ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों, एडसेंस की तरह इसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे आपको। तो दोस्तों, बिडवर्टाइजर बहुत ही अच्छा एड नेटवर्क है, आप इसे भी जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। सो गाइस, आठवें नंबर पे जो एड नेटवर्क आता है उसका नाम है चीटिका। जी हाँ दोस्तों, चीटिका बहुत ही अच्छा एड नेटवर्क है, एडसेंस की तरह ही बहुत सारे पब्लिशर्स चीटिका को यूज़ करते हैं और अपने रिव्यू यूट्यूब पर देते रहते हैं। सो गाइस, चीटिका बहुत इजी टू यूज़ है, इसमें भी आपको सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, छोटे मोटे बड़े जो भी फॉर्मेट्स हैं सब मिल जाएंगे, डिस्प्ले पॉपअप एड्स और बैनर, सब तरह के फॉर्मेट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। सो गाइस, इसमें रेवेन्यू की बात करूँ तो आप सीधे इसमें पेमेंट पेपल के द्वारा ले सकते हैं जब आपका $10 पूरा हो जाए। जी हाँ दोस्तों, $10 बहुत ही मिनिमम लेवल का है, $10 जैसे आपका पूरा हो जाता है आप सीधे अपने पेपल में ले सकते हैं। और दोस्तों, चेक के द्वारा बात करूँ तो इसमें आपका $50 होना ही चाहिए, $50 जैसे हो जाएगा चेक के द्वारा यह सीधा आपको पेमेंट कर देगा। सो गाइस, चीटिका.net भी बहुत अच्छा है, आप चीटिका को भी यूज कीजिएगा। सो गाइस, टॉप 9 पर जो एड नेटवर्क आता है उसका नाम है प्रोपेलर एड्स। जी हाँ दोस्तों, प्रोपेलर एड्स बहुत ही फेमस है। सो गाइस, बहुत सारे पब्लिशर्स प्रोपेलर एड्स को यूज करते हैं, बहुत ही अच्छा एड नेटवर्क है। सो गाइस, इसमें भी आपको सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे एडसेंस की तरह, पॉप अंडर,
अंडर के लिए बहुत फेमस नेटवर्क है दोस्तों ये। सो फ्रेंड्स, प्रोपेलर हेड्स के पेमेंट की बात करूँ तो मैं आपके जैसे ही $50 पूरे हो जाते हैं तो आप सीधे अपने पेपल में इसे ले सकते हैं। और दोस्तों पायोनियर की बात करूँ तो $100 आप सीधे इसमें ले सकते हैं। और दोस्तों वायर ट्रांसफर के लिए आपको इसमें $500 मिनिमम चाहिए। सो गाइस, प्रोपेलर हेड्स भी बहुत अच्छा है, आप इसे भी जरूर यूज़ कीजिएगा। सो गाइस, सबसे लास्ट टॉप 10 में जो नेटवर्क आता है उसका नाम है एड ब्लेड। जी हाँ दोस्तों, एड ब्लेड भी एक्सचेंज की तरह ही है। सो गाइस, इसकी खास बात है इसमें नेटिव एड्स फॉर्मेट्स बहुत ही अच्छा है, आप उसे यूज कर सकते हैं। नेटिव एड्स के लिए ही ये एड ब्लेड जाना जाता है। सो गाइस, अगर एड ब्लेड में अगर आपके पेमेंट $100 पूरा हो जाता है तो आप सीधे पेपल या चेक के द्वारा सीधे अपना पेमेंट ले सकते हैं। सो गाइस, एड ब्लेड भी बहुत अच्छा है तो आप इसे भी जरूर यूज कीजिएगा। सो गाइस, आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।